अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किचन विद अना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मदर्स डे स्पेशल बहुत ही मज़ेदार पैनकेक की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अंडा लेंगे। अब हम इसमें 3-4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम एग और शुगर को अच्छी तरह से हैंड बीटर के साथ ब्लेंड करेंगे। हम इसे उस वक्त तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि शुगर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे 3-4 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 पिंच। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल ऐड करेंगे 3-4 टेबल स्पून। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने बैटर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे। इसे भी हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे इस वक्त तक मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। आप देख सकते हैं बैटर बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। आइए अब इसके पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब हम एक बड़े स्पून की मदद से पैनकेक्स बना लेंगे। इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसे दूसरी साइड से भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इसी तरह हम अपने तमाम पैनकेक्स रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने तमाम पैनकेक्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट ऐड करेंगे, साथ हम इसके ऊपर थोड़ी सी कैस्टर शुगर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पैनकेक्स रेडी हैं।